हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहां पे इतने सारे लोग की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो अपने लखनऊ के इको गार्डन में UPCHO द्वारा चल रहा ये अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन, जहां पे 15,000 प्लस लोगों की भीड़ इकट्ठा आप देख सकते हैं। तो ये UPCHO द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है, जो की 28 तारीख से शुरू हो चुका है। और इनकी यहाँ पे मांगे है जो पूरी नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। तो इस बार CHO है, जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं बंद होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं गाइस कि क्या है इनकी मांगे, आखिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार। दूर दूर से, इतनी दूर दूर से देख सकते हैं, काफी महिलाएं भी आई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, इतनी कड़ी धूप में हो बरसात, पर इनका धरना प्रदर्शन इस बार नहीं बंद होने वाला है जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। तो चलिए आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं और जानते हैं इनकी क्या है मांगे, क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि इनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे आपको दिखाते हैं। आप सभी से पहले से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी टीम की समय निकाल के आए हैं यहाँ पर। उससे पहले भी आप देखे अभी तक तो हो रहे 21 तारीख से 27 तारीख तक एसोसिएशन कमेटी ऑफिसर ने डिजिटल स्ट्राइक का आह्वान किया था, उसके फलस्वरूप 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया था। और 28 तारीख को कल लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या में CHO साथी हमारे यहाँ पे लखनऊ पहुँचे थे। और हमारी जो मिशन निदेशक महोदय के साथ वार्ता रही थी, उसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला था और उस पर हम सहमत नहीं हुए। लेकिन मिशन निदेशक महोदय शासन प्रशासन की तरफ से हमारे ऊपर एक FIR कराई गई है, जिसमें हमारे 9 लोगों के नाम है, जिसमें श्री योगेश उपाध्याय जी प्रदेश महामंत्री, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र कर्मचारी संघ, श्री अनिल उपाध्याय जी प्रदेश महामंत्री और भारतीय मजदूर संघ, और 7 लोग हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके नाम पे FIR कराई गई है। जो कि हम लोगों ने जो साथियों में बड़ा ही पहले से भेदभावपूर्ण तरीके से हम लोगों का, चाहे वो AMS हो चाहे BC की मनस खत्म करने की बात करी गई हो, इन सब चीज़ों के लिए CHO पहले से जूझ रहा था। और CHO पेंशन मिल सकती थी और नियमितीकरण को लेकर पहले से अन्य राज्यों की तरह पहले से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए CHO ने ठान लिया है कि जब तक CHO की मांगे शासन स्तर से नहीं मानी जाती, तब तक ये धरना अब अनिश्चितकालीन तक के लिए लागू है। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ से लखनऊ छोड़कर हम नहीं जाएंगे। हमको परमानेंट करो, जिंदाबाद।
नितिन चौधरी जी, शिवकांत शर्मा जी फतेहपुर से, लेकिन नित्यम साहब प्रयागराज से, लेकिन आप सभी साथियों ने देखा है कि हम लोगों पे एफआईआर होने के बाद भी इन्होंने हमारे हौसले को और दूधनी उड़ान दे दी है, जिससे कि हम और मजबूत। मैंने कल भी अपने साथियों से कहा था कि अगर हमें जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन आप यहाँ से तब तक मत उठिएगा लखनऊ से कि जब तक सीएचओ को नियमितीकरण या समान कार्य समान वेतन का लाभ ना मिले। आप सब तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कोई भी साथी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य आपसे नहीं करेगा।